विकास की बात कर रहे हो, आप विकास की बात कर रहे हो तो विकास तो उस दिन होगा जब झोपड़े वाला भी खाके सो जाएगा आपका। वाह वाह वाह, क्या बात है। और जब झोपड़े वाला खाके सो जाएगा तब हिंदुस्तान का नाम दुनिया में आएगा कि हिंदुस्तान है। बहुत सारे मसाइल खड़े कर देते हैं कि आप ये बोलिए ये बोलिए, बोलने से जरूरत क्या है। आज हमारे नौजवान को रोटी कपड़ा और मकान चाहिए, हमें दुनिया में खड़े होने के लिए सिंबल चाहिए कि हम हिंदुस्तानी हैं। आज हमारी पहचान तो ये है, हम दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मैं भी गया हूँ कई मुल्कों में, तो अरब में अगर हम जाते हैं तो हिंदी कहलाते हैं, हमें कोई नहीं कहता मुसलमान और ये, वो कहते हैं हिंदी। तो हिंदी का नाम आते ही वो कहते हैं मिस्कीन, मतलब यानी बेचारा लावारिस है ये, इसके पास गरीब है ये। तो हमारी स्टेजी हमारा नाम ये बना हुआ है। तो अमेरिकन अगर दुनिया में कहीं जाता है तो वो बड़ा प्राउड से बोलता है मैं अमेरिकन, और लोग उसको सैल्यूट करते हैं, और हमें मस्कीन कहा जाता है। इस परिपाटी को बदलना है अगर कोई भी सरकार आए। कैसे बदली जाएगी ये परिपाटी, जिस देश में तो विकास के नाम पर सरकारें आती हैं और नाम शहरों के चेंज करती हैं, गरीबों का कुछ पता नहीं है। ये जब बदली जाएगी कि देखिए, आपको एक बात बताऊं, एक छोटा सा एक लघु कथा बताता हूँ आपको कि बादशाह नौशेरवां ईरान का बादशाह रहा, और वो शिकार पे निकल गया अपने मंत्रिमंडल को लेकर। इतना वक्त हो गया कि वापस लौटने में दिक्कत हुई, उसने पड़ाव डाल लिया अपने, और उन्होंने जो भी हिरन या जो भी शिकार किए थे उसका मांस जब वो टोस्ट करने लगे तो किसी ने आवाज दी कि नमक के बगैर ये चीज अच्छी नहीं लगेगी। तो एक ने कहा कि नीचे आबादी है, यहाँ पर जाकर कह दो कि बादशाह नौशेरवां ने जो है वो नमक मंगाया है। अच्छा। तो जिसको भेजा जा रहा था उसने कहा भाई आप पैसे दो आप। तो उसने कहा अरे बादशाह के नाम से पैसे। ये बात बादशाह भी सुन रहा था। उसने कहा मुझे पैसे मिलेंगे तो जाऊंगा, नहीं तो नहीं जाऊंगा। तो वो वजीर था उसका, पंत प्रधान था, उसने कहा जाओ बादशाह के नाम से मांगो। तो बादशाह ने खुद दखल किया, इसको पैसे दो, मेरे नाम की जरूरत नहीं है, ताकि ये नमक ले आए। तो पंत प्रधान ने, वजीर ने कहा कि हजरत आपके नाम से या आपकी नगरी है, इसमें नमक जैसी चीज नहीं मिलेगी जो छोटी है हकीर है। तो बादशाह ने उसमें कहा कि बुराई की बुनियाद जो है वो नमक जैसी छोटी चीज से पड़ी थी, हर आने वाले लोगों ने उस पर एक तह चढ़ा दी और बुराई का पहाड़ बन गया। तो इसी तरह हमारा जो पंत प्रधान है, कोई भी बने, उसे झोपड़ी वाले की सोच में जो है ना जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। वो मखमल के गद्दों पर सोकर और एसी में रहकर देश नहीं बदल सकता। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, अभी चलते चलते हम आखिरी सवाल आपसे करेंगे। इस देश में अगर हम कंपेयर करें ब्रिटिशर्स की अचीवमेंट्स का और मुगलों की अचीवमेंट्स का, क्योंकि जैसा कहा जाता है कि मुगल जितने भी थे आतंकवादी, मतलब आतंकारी थे, कब्जा किया, लूटा, खिसोटा, अंग्रेजों के बारे में भी ऐसे कहा जाता है, इसलिए उनको भगाया। तो इन दोनों ने कितना इस देश को समृद्ध किया, और पिछले 70 साल में कांग्रेस ने कितना इस देश को समृद्ध किया, और कितना बाकी है जो बीजेपी करना चाहती है, जो भारतीय जनता पार्टी की मोदी सरकार है जिसके नाम पर वो आए हैं, नेहरू और गांधी जो परिवार है, खानदान है, उनको गाली दे दे करके वो आए हैं, लेकिन अभी गाली देने का फार्मूला भी फेल हो रहा है जी, लोग बर्दाश्त नहीं कर रहे। कभी उनको गाली देके आपको क्या मिलेगा, आपने क्या किया है वो बताइए, आपने जो एजेंडा फिक्स किया था, आपने जो वादे किए थे वो कितने पूरे किए। तो ये तीनों पर हम जाएंगे आपकी समीक्षा, मुगलों का कितना योगदान है इस देश में, अंग्रेजों का कितना योगदान है, कांग्रेस का कितना योगदान है, और बीजेपी का कितना होना चाहिए। देखिए एक सच बात आपको बताता हूँ कि सन 1000 के पहले हमारे यहाँ की इलाकाई सरकारें थी, उसके बाद सबसे पहले जो है महमूद गजनवी आया, फिर मोहम्मद गोरी आया, उसके बाद मुगल आए, ऐबक खानदान आए, ये सब आए, ये अक्रांता तो थे। लेकिन मैं मेरी बात को फिर रिपीट करता हूँ, अक्रांता होने के बाद में इस देश की मिट्टी को उन्होंने नतमस्तक किया, यहाँ पर लाल किला बनाया, ताजमहल बनाया, सीकरी को बसाया, कुतुब मीनार को बनाया, दिल्ली और अपना लतादात शहर बसाए उन्होंने। अच्छा, उन्होंने एक पहचान दी उस समय के लिहाज से, उस समय के लिहाज से उन्होंने पहचान दी जिसका सबूत है ताजमहल, लाल किला और दूसरी इमारतें,
बीजापुर और गोलकुंडा कनॉट प्लेस है, हाँ, आप फोर्ट चले जाइए, दूसरा हिस्टोरिकल बिल्डिंग है, दैट ऑल आर मेड बाय मुगल्स। हाँ, ये मुगलों ने और मुस्लिम से ने बनाया। यस, यस। अब आप अंग्रेजों की तरफ आइए, ये सही है कि उन्होंने हमारे साथ लूट खसोट की और उन्होंने डिवाइड एंड रूल किया। उनका मुख्य मकसद ये था, अगर आपने भी पढ़ा होगा, कि जो स्थापित है उसको लूज किया जाए, क्योंकि स्थापित यहाँ पर मुगल थे, मुस्लिम थे, तो उन्होंने मुसलमानों के साथ दुर्व्यवहार किया और यहाँ के हमारे लोगों को उन्होंने उसके खिलाफ बनाया और कहा कि ये तो आक्रांत